जब यीशु कैसरिया फिलिपी के प्रांत में आया तो उसने अपने चेलों से पूछा, लोग क्या कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र कौन है? अगर मैं कोई सांसारिक इतिहासकार होता और यीशु को बात करते हुए सुन रहा होता, यही कहता, यह व्यक्ति सोचता है यह स्वर्ग से आया कोई दूत है। उन्होंने जवाब दिया, कुछ कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता, तो कुछ कहते हैं एलिया, और दूसरे कहते हैं यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक। ऐसे भी कई संकेत हैं जो यीशु को साधारण इंसान की तुलना में अधिक दर्शाते हैं। उसने पूछा, तुम्हारे बारे में क्या, तुम क्या सोचते हो कि मैं कौन हूं? मुझे लगता है कि आवाज ने यीशु को संबोधित किया, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो जिससे मैं अधिक प्रसन्न हूं। शिमोन पत्रस ने उत्तर दिया, तू तो मसीहा है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। आज भी यीशु का यही सवाल इतिहासकार, थियोलॉजियन, विश्वासियों और अविश्वासियों को यही चुनौती देता है। कुछ अभी भी कहते हैं कि वो मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र, जैसे पहली सदी में उसके अनुयायियों ने कहा था। तो दूसरे लोग कहते हैं, जो कुछ भी यीशु के बारे में सुसमाचार में लिखा गया, यीशु ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अभी भी यीशु के बारे में खोज बनी है। यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू करने के बाद वो गलील की झील के पास कफरनहूम नगर में आया। भूवैज्ञानिक हमें बताते हैं कि शिमोन पत्रस अपने परिवार के साथ यहीं पर रहता था। उन्होंने पत्रस के घर को खोज निकाला और ये पाया कि उसमें से एक कमरा हाउस चर्च के लिए उपयोग होता था। हम कफरनहूम गए और हमने यहूदी आराधनालय को देखा, जहाँ पर यीशु ने वचन खोला और अपने बारे में लिखा हुआ वो भाग पढ़ा था। और ये आराधनालय पत्रस के घर के पास ही है। संभवतः ये वही घर है जहाँ पर यीशु बैठा था और उसने चमत्कार किए, जिसके बारे में मत्ती, मरकुस और लूका सब बताते हैं। यीशु ने जो अद्भुत वाक्य कहे थे वो तो ज्यादातर यहाँ पर कफरनहूम में कहे थे। उसने झोले के मारे से कहा कि पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। यहूदी व्यवस्था को सिखाने वाले शिक्षक वहां बैठे थे और उन्होंने ये कहा, ये परमेश्वर की निंदा है, परमेश्वर को छोड़ कौन पाप क्षमा कर सकता है? जो ये सवाल उठाता है कि यीशु क्या होने का दावा कर रहा था। उन्होंने धार्मिक अगुओं से कहा, जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर क्षमा करने का अधिकार है, मैं तुझसे कहता हूँ उठ और चल। मुझे ये कहानी पसंद है, एक आदमी को छत से नीचे उतारा जाता है, उसका दोस्त वहाँ है। यीशु ने पहले उससे कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। वह व्यक्ति खाट पर पड़ा है, मानो वो कह रहा हो, मैं यहाँ इसलिए नहीं आया। मेरा मतलब, अच्छी बात है कि आप मेरे पापों को क्षमा करना चाहते हो, लेकिन मेरे यहाँ आने का कारण था कि मैं उठ सकता और चल पाता। और फिर यीशु क्या करते, वे पाप और चलने को जोड़ते हैं ताकि आपके पास पाप के दावे का ऑडियो विजुअल हो, जिसे आप देख नहीं सकते, परमेश्वर के उनके माध्यम से काम करने का साक्ष्य के साथ, ताकि जब वह उठकर चलता है तो उसका चलना बोले और कहे, पाप क्षमा हुई, और देखो कि क्षमा किसने किया। और इसलिए इस संदर्भ में यीशु ने दिखाया कि वे कौन है और उनका अधिकार क्या है। पापों को क्षमा करने का अधिकार, जाहिर है ये केवल परमेश्वर का अधिकार है, पर यीशु अपने चंगा करने की शक्ति में, चाहे चंगा करते हो या पाप क्षमा करते हो, अभी भी एक दिव्य आज्ञार्थक का निष्पादन कर रहे हैं, एक दिव्य विशेष अधिकार। और निश्चित रूप से ये भीड़ या यहूदी जो वहाँ थे नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। वे कैसे जान सकते हैं, वे कैसे, मेरा मतलब वह मंदिर नहीं गया है, उसने बलि चढ़ाया नहीं है, उसने याजक घोषणाओं को सुना नहीं है, तेरे पाप क्षमा हुए, ये यीशु को कैसे पता है? यीशु ही कह सकता है। वह ऐसा कुछ कहने की हिम्मत कैसे कर सकता है कि यीशु को ये कैसे पता था? उन्होंने इसे परमेश्वर की निंदा कहा। बिल्कुल, खुद को विशेष अधिकार प्रदान करना जो केवल परमेश्वर के पास होने चाहिए। पापों की क्षमा करने का अधिकार उसके पास में, इसका दावा करने के साथ ही, क्या कभी यीशु ने बाहर आकर खुद को अद्भुत तरीके से परमेश्वर का पुत्र कहा है, जो और किसी के लिए उपयोग नहीं होता? यीशु अपने बारे में कहते हैं कि वे परमेश्वर के पुत्र, यदि तुम मुझे स्वीकार करते हैं तो मेरे पिता तुमको स्वीकार करेंगे जो भी हो, या मेरे पिता जो स्वर्ग में है। और फिर यीशु का यह कहना कि यरूशलेम के विनाश का समय क्या होगा केवल पिता ही जानते हैं, पुत्र नहीं। तो जिस प्रकार से यीशु अपने परमेश्वर के पुत्र होने के बारे में बात करते हैं, उसे देख के नई
लगता कि प्रारंभिक कलीसिया ने इसे गढ़ा होगा, जैसे कि मरकुस 10 की प्रसिद्ध कहानियों की तरह, जहां धनी युवक शासक कहता है उत्तम गुरु और वे कहते हैं उत्तम मत कहो, कोई भी उत्तम नहीं केवल एक अर्थात परमेश्वर। अब प्रारंभिक चर्च ने निश्चित रूप से इसे नहीं गढ़ा। अब यहाँ पर दोष निकालने वाले खुद अनुमान लगाते हैं कि यीशु ने जो कुछ भी कहा उनमें से केवल वही बातें जो कई जगह पर दिखाई देती वही सही हैं। फिर भी सबूत बताते हैं कि यीशु ने खुद को परमेश्वर का पुत्र कहा है। सबसे पहले मत्ती 11:27 में और इसके समानांतर लुका में हमारे पास एक ऐसा वचन है जिसे आलोचक क्यों कहते हैं। आदि कहावतों के दस्तावेज बहुत बहुत पुराने, उनका मानना यह है कि सुसमाचारों से कई दशकों पुराना है, और फिर भी मत्ती 11:27 में और इसके समानांतर यीशु कहते हैं पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और वह जिस पर पुत्र उन्हें प्रकट करना चाहे। अब इस वचन में यीशु परमेश्वर का अनूठा ज्ञान होने का दावा करते हैं, और यह पाया जाता है क्योंकि आदि परतों में आलोचकों के इसे व्यवस्थित करने के तरीके के अनुसार, और यह कठिन पाठ है। सुसमाचार के लेखक हमें यह भी बताते हैं कि यीशु ने परमेश्वर को अब्बा कहा है। क्या ये सबूत है कि यीशु ये सोचता था कि उसके पास विशेष और परमेश्वर के साथ अद्भुत संबंध है? हमारे पास अच्छे मजबूत ऐतिहासिक सबूत है कि यीशु ने परमेश्वर को अब्बा कहकर प्रार्थना की, और हमने साक्ष्य प्रमाणित टुकड़ों को गुणा किया है कि उन्होंने स्वयं परमेश्वर को विशेष या अद्वितीय पुत्र के रूप में देखा है। ठीक है, अब्बा का मतलब पिता, इसका तात्पर्य अधिक या साधारण इस्तेमाल में आने वाला शब्द डैडी नहीं है, लेकिन इसका मतलब है प्रिय पिता। ये स्वर्गीय माता पिता के साथ घनिष्ठता को दर्शाता है, और यीशु का मानना है कि उनके अनूठे रिश्ते ने उन्हें विशेष और खास अर्थ में परमेश्वर का पुत्र बना दिया था, और इसके बहुत सारे सबूत हैं। ये सिनोप्टिक्स में, यूहन्ना के समाचार में और पोलोस के पत्रों में भी है कि वे परमेश्वर के पुत्र थे। तो आपके पास क्यों में एक बयान है, आपके पास आबा है, और शायद सबसे मजबूत कथन मरकुस 13:32। अब अगर आप इसे देखते हैं तो आप सोचेंगे ओ, उनका दिमाग तो ठीक है, ये वचन मसीह के ईश्वरत्व को लेकर नहीं है, क्योंकि यीशु कह रहे हैं मेरे आने का समय, वे कह रहे हैं वह समय कोई भी व्यक्ति नहीं जानता, स्वर्गदूतों नहीं जानते, पुत्र भी नहीं बल्कि केवल पिता। इस वचन की मजबूती का कारण यह है कि यीशु पिता के पुत्र या परमेश्वर के पुत्र है, क्योंकि वे कहते हैं कि वे अपने आने का समय नहीं जानते। मेरा मुद्दा यह है, यदि चर्च इस कथन को बना रहा है और शब्दों को यीशु के होंठों पर डाल रहा है, तो वह अपने आने का समय क्यों नहीं जानते? अब मुझे लगता है कि परंपरागत रूप से समझाया जा सकता है, क्योंकि यीशु का मानव स्वभाव था, यीशु का दिव्य स्वभाव था, लेकिन जैसा भी हो वो वाक्य ऐसा प्रतीत नहीं होता जैसे इसे गढ़ा गया हो, क्योंकि वह बहुत शर्मनाक है। बस कहो कि उनको परमेश्वर का पुत्र होने का दावा किया था, नहीं, उन्हें कहना था कि पुत्र अपने आने का समय नहीं जानता, और वह एक कठोर व्याख्या है। तो यीशु ने शायद यह कहा था, आपके पास क्यों कथन है, आपके पास अब्बा कथन है, आपके पास मेरे आने का समय मुझे नहीं पता कथन है। और मुझे लगता है कि इन सभी मामलों में हमारे पास सबूत है कि यीशु ने परमेश्वर के पुत्र होने का दावा किया था। और भी सबूत है कि यीशु ने खुद क्या होने का दावा किया, ये पहाड़ी उपदेश में पाए जाते हैं। गलील की झील के पास के पहाड़ी भाग में ये वो जगह जहाँ पर यीशु ने इस विख्यात संदेश का प्रचार किया था। और अंत में मत्ती लिखता है कि जब यीशु ने ये सारी बातें कह दी उसके बाद लोग उसकी शिक्षा को सुनकर चौंक गए, क्योंकि वो उन्हें ऐसे सिखा रहा था जिसके पास में अधिकार है और शास्त्रियों के जैसे नहीं। यीशु के पास में कौन सा अधिकार था? उन्होंने पाप क्षमा किए, उसने यहूदियों को बताया कि सब के दिन वे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। अब सब 10 आज्ञाओं में से एक है, आप 10 आज्ञाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं जब तक कि आपके पास उसका अधिकार हो। उन्होंने बताया कि किसके साथ संबंध होना चाहिए और किसके साथ नहीं। उन्होंने दावा किया कि वे पिता के दाहिने हाथ पर बैठ सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सीधे परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता है या बैठ सकते हैं। आपके पास में काफी अधिकार और शक्ति होनी चाहिए इस ख्याल को लाने के लिए कि आप परमेश्वर के बगल में बैठ सकते हैं। पहाड़ी उपदेश में यीशु ने सिखाया कि तुमने ये कहते हुए सुना है कि तू व्यभिचार न करना। सब लोग जानते थे कि ये 10 आज्ञाएं हैं। फिर उसने घोषित किया, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, और परमेश्वर ने जो कहा उसके साथ में उसने जोड़ दिया। और ऐसा करते हुए उसने ये दिखाया कि परमेश्वर के अधिकार के साथ साथ उसके वचन महत्वपूर्ण हैं। एक अधिकारियों के तौर पर उन्होंने सिखाया, ना कि शास्त्रियों की तरह। अधिकार अर्थात वे ना केवल घोषणा करते हुए कहते थे, सुनो मुझे पता है तुमने यह सुना वह सुना है और यह ऐसे होता है। ऐसी थी उनकी शिक्षण शैली जिसका समर्थन दुष्टात्माओं को निकालने का तरीका भी करता है। यीशु केवल कहते चुप हो जाओ और निकल जाओ, और वैसा हो गया। यह देख लोग चकित हो गए। ऐसा अधिकार हमने पहले कभी नहीं देखा था। कई अंतर्निहित संकेत भी है जो
दर्शाते हैं कि यीशु सामान्य मनुष्य से बढ़कर थे। पापों को क्षमा करने में सक्षम होने का उनका दावा, परमेश्वर पिता के साथ उनकी एकता, इसका परिणाम रहा यदि यहूदियों की प्रतिक्रिया जो उन्हें पथराव करने के लिए प्रेरित हुए ये कहते हुए कि परमेश्वर पिता के साथ उनकी करीबी निंदाजनक है। यीशु के बारे में एक और सवाल उठता है, वो है क्या उसने कभी मसीहा होने का दावा किया है? अक्सर ये समकालीन विद्वताओं में कहा जाता है और करीब एक शताब्दी से अधिक समय तक रहा कि यीशु ने ये नहीं सोचा होगा कि वे मसीह थे। सन की लोग ऐसा सोच सकते हैं, पर यीशु काफी कुशल आदि शिक्षक थे और जिससे सेमिनार ने अक्सर कहा है, ठीक है, यीशु ने लोगों को नम्रता सिखाई और सिखाया कि उन्हें स्वत्यागी होना चाहिए, तो वह एक ही समय में खुद को मसीहा कहते हुए दिखावा कैसे कर सकते हैं? ये पहली शताब्दी के यहूदी धर्म पर और यीशु की कार्य प्रणाली पर गहरी गलत फहमी है। न केवल वे परमेश्वर के राज की घोषणा कर रहे थे जिसे वे स्वयं लेकर आए हैं, ऐसा लगता है वह सिर्फ अपने आप को इसकी घोषणा करने वाला भविष्यवक्ता नहीं मानते, बल्कि वह स्वयं मसीहा थे। उन्होंने केसरिया फिलिपी में मसीही की कबूली स्वीकार कर ली। अब वे ये समझाने लगे कि इसका मतलब क्या था, क्योंकि शिष्यों को इसका मतलब समझ में नहीं आया था जब उन्होंने शुरुआती बिंदु पर यह स्वीकार मतलब किया था। खैर, आखिरकार इसका मतलब क्या था? वे सिर्फ एक विजयी व्यक्ति नहीं होने वाले थे बल्कि कष्ट भोगने वाले भी, लेकिन यहूदी धर्म के संदर्भ में कम से कम हमारे साक्ष्यों के आधार पर कष्ट भोगने वाला मसीहा की कोई श्रेणी नहीं थी। डेड सी स्क्रोल में जो जानकारी मिली उसके परिणाम में हम इस बात को जानते हैं कि जो कुछ बातें यीशु ने कही उनमें से कुछ तो उन दिनों के लिए बिल्कुल स्पष्ट बताती थी कि उसने मसीहा होने का दावा किया। आप उन विद्वानों से क्या कहेंगे जो ये कहते हैं कि बाद में चेलों ने बताया कि यीशु ही मसीहा है? मुझे लगता है कि ये दूसरे मंदिरकाल से यहूदी साहित्य पर हंसने योग्य है। हमें मृत सागर स्क्रॉल पर गौर करना चाहिए। उदाहरणतः यीशु के आने से पहले यहूदियों के बीच जो मसीही आशा थी उस पर निश्चित रूप से 4Q521 जैसी चीजों को अब हम पहचानते हैं। ये गुफाचार कुमरान पांडुलिपि 521 है जिसमें कहा गया है कि जब मसीहा आएंगे वे अंधों को चंगा करेंगे, लंगड़ों को ठीक करेंगे और मरे हुए को जिलाएंगे। हम स्वयं यीशु द्वारा दिए गए इस दावे को देखते हैं लूका 7 में, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले अपने शिष्यों को यीशु के पास पूछने भेजते हैं, क्या वे आप ही हैं वास्तविक या फिर हमें किसी और का इंतजार करना होगा? यीशु कहते हैं, जो तुमने देखा यूहन्ना को बताओ। अंधे चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं और मृत जिलाए गए हैं। ये मसीहियत से पहले यहूदी मसीही आशा है जो यीशु में परिपूर्ण होती नजर आ रही है। मुझे लगता है जीसस सेमिनार के स्वयं अपने मानदंडों में असंगत होने का अच्छा उदाहरण यीशु मसीह की आत्मसमझ का पूरा प्रश्न ही है। वे मानते हैं कि आदि कलीसियाओं ने सुसमाचार में एक इस प्रकार का फिराव बनाया, पर इस बयान में एक समस्या है। आपके पास बहुसंख्यक प्रमाण हैं, पूरी परंपरा में हर जगह जहां यीशु को मसीहा के तौर पर दर्शाया गया है, सुसमाचारों में, हर पत्रों में, नए नियम में, हर जगह। अब जरा सोचिए यह किस दृष्टिकोण से संभव लगता है। ईस्टर के परिणाम स्वरूप यीशु ने कभी भी मसीहा होने का दावा नहीं किया हो या अपने अनुयायियों को ऐसा सोचने से रोका हो। यानी जिन ऐतिहासिक सबूतों को हमने देखा है ये दर्शाते हैं यीशु ने पापों को क्षमा किया, उसने सिखाया कि वो परमेश्वर का पुत्र है और मसीहा होने का दावा किया, और उसने वही चमत्कार किए जिसके बारे में यहूदी जानते थे कि केवल मसीहा ये करेगा। लेकिन गलील के गांव में प्रचार करने के बाद यीशु यरूशलेम में गया जो कि यहूदी लोगों के लिए सबसे मुख्य था, और एक हफ्ते के बाद वो मर गया। क्यों? हम इसे आगे देखेंगे। सुसमाचार में बताता है कि फसह के पहले यीशु गधे पर सवार होकर यरूशलेम को गया। सुसमाचार बताता है कि बड़ी भीड़ ने खजूरी की डाली के साथ उसका स्वागत किया और उसे मसीहा कहा। लेकिन उन लोगों के बारे में क्या जो यहूदी यात्री हर समय फसह के समय में यात्रा करके यरूशलेम में आते थे? वो तो सामान्य रूप में गीत गाकर आनंद मना रहे थे, यीशु के बारे में नहीं कह रहे थे। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने तीर्थयात्रियों का स्वागत इस प्रकार के उद्घोष से किया हो, पर वे रास्तों पर अपने वस्त्र नहीं डालते थे, ना ही ताड़ की डालियों को लहराते थे और ना ही
गधे पर आने वाले किसी का अभिनंदन ही वे इस प्रकार करते थे। यह सब कुछ जो कोई भी इसराइल की इतिहास को जानता है उन्हें याद दिलाएंगे कि यह व्यक्ति जकरिया 9:9 के वचन को पूरा कर रहा है। राजा दीनता के साथ शहर में प्रवेश कर रहा है और ताड़ की डालियां और वस्त्र जो रास्ते पर बिछाए गए थे इसी प्रकार से वे अभिनंदन करते थे। इसराइल के पिछले राजाओं का जब वे शहर में प्रवेश करते थे तो लोग जानते थे वे क्या कर रहे हैं। यह मसीह अभिवादन था तीर्थ यात्रियों की ओर से। जब यीशु फसह के समय यरूशलेम में आया तो उसके पीछे कितने तो भी लोग आ रहे थे। कुछ विद्वानों ने ABC स्पेशल में कहा कि यीशु के केवल 10 या 20 अनुयायी थे। मैं इस बयान से चकित रह गया क्योंकि जब हम सुसमाचारों के वृतांत को पढ़ते हैं कि शास्त्री और महायाजक यीशु पर मुकदमा करना चाहते थे पर उनके साथ की भीड़ और उनके लोकप्रियता को देख ऐसा नहीं कर पाए। अगर यीशु के साथ केवल 10, 15 या 20 अनुयायी होते तो शुरुआत में ही यीशु को पकड़ा जा सकता था उस अंतिम हफ्ते के प्रारंभ में और उन्हें इस तरह से चुपके से आके साजिश रच के धोखे से यीशु को पकड़ने की जरूरत नहीं होती। अगर लोग उनका अनुकरण नहीं कर रहे होते तो यह तथ्य कि उन्हें यीशु के विरुद्ध साजिश रचनी पड़ी यीशु को पकड़ने के लिए यह दर्शाता है कि यीशु के अनुयायियों की संख्या काफी बड़ी थी। गलील में भी जो उनके साथ में थे साथ ही साथ यहूदिया और यरूशलेम के भी नए विश्वासी बड़ी संख्या में यीशु के साथ थे। यीशु के कितने अनुयायी थे इस पर सवाल उठाने के साथ साथ कुछ विद्वान ये सोचते हैं कि यीशु यरूशलेम में क्यों जाना चाहता था। क्या उसे पता नहीं था कि उसकी हत्या की जाएगी? मुझे लगता है उन्हें समझ आ गया था उनके मृत्यु का समय निकट है और कोई भी भविष्यवक्ता यरूशलेम के बाहर नहीं मरता। यीशु के सामने एक भविष्यद्वाणी प्रारब्ध था जिसे हासिल करने और पूरा करने के लिए यरूशलेम जाने का समय आ चुका था और फसह के पर्व से बेहतर समय और क्या हो सकता है। ऐसा समय जब लोग परमेश्वर के छुटकारे का जश्न मनाते हैं। जब यीशु भवन में गया और उसने पैसों की लेन देन करने वाले व्यापारियों की मेज को पलटा दिया क्या तब से उस पर नजर रखी गई? हाँ, मेरा मतलब है बिल्कुल, वह इसराइल के सबसे पवित्र स्थान में है। उन्होंने जो किया है वह इस प्रतिक्रिया में बाधा डालता है, ना केवल दान के पैसों पर जो संस्था के अस्तित्व का जरिया है, मंदिर एक संस्थान है, लेकिन उन्होंने उस प्रतिक्रिया को बाधित कर दिया जो बलिदान की ओर जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कैफस को यह न पता हो और वह यह सुनकर क्रोधित न हुआ हो और जो कुछ यीशु ने मंदिर में किया उसका बदला लेने के लिए कुछ ही समय बाद अगले दिन या मरकुस के अनुसार जो भी समय सारिणी रही हो महायाजकों और शास्त्रियों का एक समूह उनके पास आकर पूछता है आप किस अधिकार से यह कर रहे हैं। कल्पना कीजिए वे वहीं पर खड़े हैं और यीशु मुड़ते हैं चेलों से कहते हैं एक व्यक्ति की दाग की वाटिका थी। वे यशाया 5 की ओर इशारा करते हुए एक दृष्टांत कहते हैं और इस दृष्टांत में वे एक नए चरित्र को प्रवेश दिलाते हैं। यशाया ने नहीं कहा किसान बाड़ी की देखभाल करते हैं यशाया 5 में, पर यीशु कहते हैं। जाहिर है वे महायाजक को इस दृष्टांत द्वारा पेश कर रहे थे और उन्हें समझ में आया कि यह दृष्टांत उनके विरुद्ध था। उन्होंने सवाल का जवाब दिया किस अधिकार से वे चीजें करते हैं। परमेश्वर के इससे बढ़कर वे स्वयं परमेश्वर के पुत्र हैं जो इस दाग की बाड़ी में आए और यह समूह उनकी हत्या करने पर था। महायाजक और उसका गुट यह कहते हुए जाता है कि हमें इस व्यक्ति को नाश करना ही होगा क्योंकि इस व्यक्ति ने परोक्षतः हमें धमकी दी है कि हम हटाए जाएंगे। अब बहुत हुआ, यह अपनी हद पार कर चुका है, अब या तो वो या फिर हम। यह शहर दोनों के लिए पर्याप्त नहीं, हमें इसे खत्म करना होगा। इस खतरे को जानकर भी यीशु गतसमनी के बाग में प्रार्थना करने के लिए जाता है। ABC स्पेशल के कुछ विद्वान ये बताते हैं कि यीशु इन बातों से आश्चर्यचकित होकर यहाँ पर गया था कि उसे क्या सामना करना पड़ेगा। जो व्यक्ति डर में पड़ा होता है वो तो पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप में टूट जाता है और वो ये भी कहते हैं कि यीशु सिपाहियों को अपने पास आते हुए देखकर आराम से बचकर निकल सकता था, लेकिन इसके बजाय वो सीधा उनके पास में चला गया। वे आत्महत्या नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे स्वयं अपना जीवन नहीं ले रहे, पर इस अवलोकन में कुछ सच्चाई जरूर है। यीशु अगर बचना चाहते आसानी से भाग सकते थे। यीशु को भी सूचना देने वाले कई लोग थे, उन्हें पता था कि शहर में क्या चल रहा है, उन्हें पता था समय कठिन है, उन्हें सावधान रहना होगा। ऊपरी कमरे के लिए गुप्त व्यवस्थाएं की गई और अगर यीशु का उद्देश्य अपनी गिरफ्तारी से बचना होता वे आसानी से 1, 2 या 3 दिन पहले शहर से निकल चुके होते, पर नहीं, उन्हें उनकी सेवकाई को पूरा करना था। मैं समझता हूँ वे पूरी गंभीरता से मानते थे उनके लक्ष्य प्राप्ति के लिए उनकी मृत्यु आवश्यक है। और फिर यीशु को परखा गया। मरकुस में ये 2 है, एक रात के समय
और दूसरा सुबह के समय। मत्ती में भी ऐसा ही है और लूका में केवल एक यहूदी परखा जाना है केवल सुबह के समय और यूहन्ना में कोई भी यहूदी परखा जाना नहीं है। क्या ये कुछ बदलाव बताता है? नहीं, ये है चयनात्मकता। मुझे लगता है कि मरकुस और मत्ती हमें पूर्ण चित्र प्रदान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लूका ने हमें रीडर डाइजेस्ट संस्करण दिया है और मुझे लगता है यूहन्ना अपनी सामान्य शैली की तरह ही हमें परीक्षण दृश्य या पूछताछ के दृश्य दे रहे हैं जिसके बारे में हम अन्यथा नहीं जान पाते। और फिर परीक्षण में पूछताछ के विषय यह एक भव्य न्यायपीठ जांच है, केवल औपचारिक परीक्षण नहीं। अगर यह एक सामान्य मुकदमा होता तो वे पर्व के दिन नहीं मिलते, लेकिन क्योंकि यह एक विशेष स्थिति है, आपात स्थिति है, बिलातूस भी शहर में मिल गया, वे सप्ताहांत काम का खत्म कर सकते हैं। अगर पूरा जोर लगाए तो वे जोर लगाते हैं और पूरा करते हैं। मरकुस लिखता है कि महायाजक आया और वो आगे आकर यीशु से ये सवाल पूछता है, क्या तू मसीहा है, उस परम प्रधान का पुत्र? और यीशु ने कहा, हाँ मैं हूँ। और तुम मनुष्य के पुत्र को अधिकार के साथ में बैठे हुए देखोगे और आकाश के बादलों पर आते हुए देखोगे। जब यीशु ने ये जवाब दिया तो महायाजक ने कहा, इससे बढ़कर हमें कौन सी गवाही चाहिए? तुमने परमेश्वर की निंदा सुनी, तुम खुद इसका निश्चय कर लो। और उन सभी लोगों ने उसे मृत्युदंड देने का निर्णय लिया। उस समय जब महायाजक पूछता है, क्या आप मसीह है, परम धन्य के पुत्र, ध्यान दे कि यीशु क्या करते हैं, क्या आप मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं? और यीशु कहते हैं, एगो आई मी, मैं हूं। और फिर वे परमेश्वर के पुत्र प्रश्नों को मनुष्य के पुत्र के उत्तर में बदलते हैं। वे कहते हैं, मैं हूं मसीहा, परमेश्वर का पुत्र, और तुम मनुष्य के पुत्र को न्याय में स्वर्ग के बादलों के साथ आते देखोगे। और महायाजक निंदा की औपचारिक घोषणा करता है, अपने कपड़े फाड़ता हुआ कहता है, बाकी के गवाह घर जा सकते हैं, हमारा काम हो गया है। यह एक ऐसी घटना है जहां स्वयं यीशु अपनी मसीही पहचान की पुष्टि करते हैं, जो मेरी राय में सुसमाचारों के सत्यता को इंगित करता है। अगर सुसमाचार केवल परिकथाएं होती तो वे यीशु को हमेशा केवल मसीहानिक चीजें करते बोलते दिखाते, पर सुसमाचारों में ऐसा नहीं है, क्योंकि सुसमाचार सीमित हैं कि वास्तव में क्या हुआ और यीशु ने वास्तव में क्या किया। अब किस बात ने उन्हें फंसा दिया? मरकुस 14 में यीशु कहते हैं, एगो आई बी, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। आगे कहते हैं, और तुम मनुष्य के पुत्र को न्याय में स्वर्ग के बादलों के साथ आते देखोगे। पहली बात यह दानियल 7:13-14 से आभासी उद्धरण है। वह पूर्ववर्ती व्यक्ति होने का दावा करते हैं जो प्राचीन काल से परमेश्वर के राज्य की स्थापना के लिए आए। और दूसरी बात, वाक्यांश का उपयोग करते हैं, बादलों के साथ आ रहा है। इस वाक्यांश का प्रयोग प्रभु के संदर्भ के रूप में वचन में दर्जनों बार किया गया और यीशु ने कहा, वह मैं हूँ। वे उनसे पूछते हैं, क्या वो मसीह है, क्योंकि उनके पिलातुस के पास ले जाने के लिए राजनीतिक आरोप की आवश्यकता है। अगर वे कहते हैं कि वे मसीह है तो उन्हें अपना आरोप मिल गया, वे पिलातुस तक जा सकते हैं। वे कह सकते हैं, वह राजा बनने का दावा कर रहा है, आपको उसे रोकना होगा। अगर एक बात जिसकी रोम परवाह नहीं करता, जब लोग खुद को राजा कहते हैं और अपने आसपास अनुयायियों को इकट्ठा करते हैं और इसे रोकने की जिम्मेदारी आपकी है, ऐसा होने पर वह रोम तक जा सकते हैं। यीशु इससे बढ़कर कहते हैं, वे कहते हैं, केवल इतना ही नहीं कि मैं वह मसीहा हूँ, सिर्फ इतना ही नहीं, मैं वह हूँ जिसे न्याय करने का अधिकार दिया जाने वाला है। और यहाँ मैं परीक्षण पर नहीं हूँ, तुम हो। एक दिन मैं बादलों पर मनुष्य के पुत्र के रूप में वापस आने जा रहा हूँ और स्वर्गीय न्यायाधीश होऊंगा, और तुम मुझे मारने के बारे में सोच रहे हो। यह एक जबरदस्त समय है, एक ऐसा समय जिसपे यहूदियों ने जिन दावों को यीशु के खिलाफ सुना उन्हें ही अब परमेश्वर महिमित करने जा रहे हैं। और यहां देखिए दो विचारधाराओं का टकराव मुकदमे के पूछताछ के दौरान। क्या यहूदी अगवे इस तरह से समझ गए थे? मुझे लगता है उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही समझा, क्योंकि महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े, निंदा निंदा चिल्लाए, हमें किसी और गवाह की जरूरत नहीं, सभी उनके मृत्युदंड पर सहमत होते हैं और दंड के क्रियान्वयन के लिए रोमी गवर्नर के हाथों में उन्हें सौंपा जाता है। पिलातुस यहाँ पर सहमत होता है कि यीशु को क्रूसीकरण के द्वारा मृत्युदंड दिया जाए। इतिहास में परखी गई सच्चाई है कि यीशु क्रूस पर मरा, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? ऐसी कुछ ऐतिहासिक सच्चाई है जो सारे विद्वानों को देखनी चाहिए कि इस बात का निष्कर्ष निकाले कि यीशु के जीवन के अंत में उसे क्या हुआ। और आगे हम इन सच्चाइयों को देखेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि प्रभु ने इसके द्वारा आपसे बातें की और आप किसी से बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर फोन कीजिए। अद्भुत लोगों की हमारी पूरी टीम है जो आपसे बातें करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपके जो सवाल हैं उनका जवाब देंगे। मैं कल्पना कर सकता हूं कुछ लोग इस समय मुश्किल समय में से होकर जा रहे हैं और आपको प्रार्थना करवानी है।
मैं प्रोत्साहित करता हूं कि आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर फोन कीजिए। हमारी टीम को पसंद आएगा कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। शायद आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि आप जान लें वो आपसे प्रेम करता है और वो इस संसार में आपके पापों के लिए मरने के लिए आया कि आप पूरी तरह से क्षमा पाएं और अनंत काल उसके साथ में बिताएं। ये ऐसी बात नहीं जिसे आपको कमाना होगा, ये उसकी ओर से मुफ्त का वरदान है जो आप पाते हैं अपने पापों की क्षमा मांगने के द्वारा और उसे अपने जीवन में न्योता देने से। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो मैं प्रोत्साहित करता हूं कि आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर फोन कीजिए और हमारे ऐप पर जाइए या फिर वेबसाइट पर जाइए और क्लिक कीजिए प्रे टू एक्सेप्ट जीसस पर। आशा है प्रोग्राम ने मदद की कि आप सुसमाचार की सटीकता को देख पाए और यीशु सच में वही है जिसका होने का उसने दावा किया है। हालांकि बहुत से विख्यात स्टेशन इन बातों के ऊपर में सवाल उठाते हैं, लेकिन वो ऐसे दृष्टिकोण के बारे में बताते हैं जिनके पास में कोई सबूत नहीं है कि ये दिखाए कि ये ऐसी केस है। मैं यात्रा करके पहली सदी के बारे में बताने वाले विद्वानों से मिला और उन्होंने यही तो कहा है। मेरी आशा है कि उनके प्रत्युत्तर ने इस विषय पर आपकी और भी मदद की है और इन सबूतों को जाने जो सहमत है यीशु के दावे से, चमत्कारों से और उसके पुनरुत्थान के इतिहास से। और ये निरंतर हमें बताते हैं कि इन सारी बातों के लिए कितने सबूत हैं। अगर आपके मित्र यीशु के दावे पर संदेह करते हैं तो उन्हें बताने के लिए एक महान सीरीज हो सकती है। आप इसे मुफ्त में देख सकते हैं अपने फोन पर हमारी ऐप के द्वारा। इसे डाउनलोड करने के लिए अपने डिवाइस के ऐप स्टोर पर जाइए और सर्च कीजिए द जॉन एंकरबर्ग शो। इसे डाउनलोड करने के बाद आप इस सीरीज को और दूसरे सैकड़ों प्रोग्राम को देख सकते हैं किसी भी समय, कहीं भी, पूरी तरह मुफ्त में। इन वीडियो को देखने के लिए बस हमारी ऐप खोलिए और टैप कीजिए प्रोग्राम आइकॉन पर। यहाँ आप हमारे सैकड़ों Q&A वीडियो देख सकते हैं जहाँ बड़े विद्वान आपके विश्वास के बारे में मुश्किल सवालों का जवाब देंगे। और इसी के साथ आप हमारी ऐप पर बाइबल को पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं 1000 से भी ज्यादा अलग अलग भाषाओं में। बस आप टैप कीजिए बाइबल के इस आइकॉन पर जो हमारे मेन पेज पर दिखाई गई है, और इसके खुलने के बाद आप ऊपर से दूसरे बॉक्स के ऊपर में टैप कर सकते हैं। अगर आप बाइबल की किताबों का अध्ययन करना चाहते हैं तो बाइबल स्टडी के हमारे आइकॉन पर टैप कीजिए। यहाँ डॉक्टर वेन बार्बर के सैकड़ों संदेश आप पाएंगे जो आपको बाइबल में से एक एक वचन से सिखाते जाएंगे। आप इन सारे स्रोतों को हमारी वेबसाइट पर मुफ्त में पा सकते हैं। बस आपको जाना है jashow.org पर। अगर आप इस विषय में और भी गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे पास 8000 से भी ज्यादा आर्टिकल्स हैं। हालांकि ये आर्टिकल्स ज्यादातर इंग्लिश में हैं, ऐसे बहुत से वेब ब्राउजर हैं जो तुरंत इसका अनुवाद करके आपको देंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा है कि अगले हफ्ते आप फिर हमारे साथ में जुड़ जाएंगे जॉन एंकरबर्ग शो के एक और एपिसोड के लिए। और तब तक परमेश्वर आपको आशीष दे। अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अगले हफ्ते हम होली सेपरेकर के चर्च में जाएंगे। माना जाता है कि यीशु को यहीं आदर के साथ दफनाया गया। और सुसमाचार हमें बताते हैं यीशु नासरी को इस रहस्यमयी व्यक्ति ने कब्र में रखा। यहाँ अरमतिया का यूसुफ एकाएक कहीं से उभर आता है।